हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर नॉलेज के इम्पोर्टेंस एमसीक्यू केबीसी टाइप की टिप्स की तरह बताने वाला हूँ। दोस्तों, जो ये टॉपिक है वो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है, जैसे कि अभी इलेक्ट्रिकल में जेटको, पीजीवीसीएल और जीएससीसीएल में जूनियर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, उसमें जेटको में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक भी दिया गया है, उसके साथ कंप्यूटर नॉलेज के भी 10 मार्क्स है। तो ये टॉपिक और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रहने वाला है और आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा उसके नीचे मैं आपको 4 ऑप्शन दे दूंगा। ऑप्शन में से आपको 10 सेकंड में सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करके आप सही आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चल सके आप सही है या गलत। लेकिन दोस्तों, क्विज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हमारे एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं केबीसी टाइप की क्विज। तो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अभी आएगा, ये रहा स्क्रीन के ऊपर आपका पहला प्रश्न। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील्स विद, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनमें से किन के साथ डील करती है? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है, ए इंफॉर्मेशन, बी डेटा, सी नॉलेज एंड डी ऑल ऑफ द एबो। यहाँ पे दोस्तों आप 4 ऑप्शन में से एक आंसर सिलेक्ट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करिए। और आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड में आपको आंसर सोचना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है, फिर मैं 10 सेकंड के बाद आपको आंसर का सही जवाब बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अभी आपने सोच लिया होगा कि आपका सही आंसर क्या है। तो देखिए, अब मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द एबो। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करती है और किससे सेंड भी करती है, डेटा है जो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं बाई डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, और सी है नॉलेज, वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा वो हमें डी मिलेगा, ऑल ऑफ द एबो। दूसरा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ए रहा, एक्यूरेसी, पर्पस, रिलेवेंस, वैलिडिटी एंड टाइमलाइनस आर द फ्यूचर ऑफ, ये सब इनमें से कौन से फ्यूचर है? यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, ए इंफॉर्मेशन, बी डेटा, सी नॉलेज एंड डी ऑल ऑफ द एबो। तो यहाँ पे आप आंसर सोचिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपका टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है, तो आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा। 10 सेकंड में आपको आंसर बताना है, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो हमारा सही आंसर है ए इंफॉर्मेशन। एक्यूरेसी, पर्पस, रिलेवेंस, वैलिडिटी एंड टाइमलाइनस है, वो सब इंफॉर्मेशन के फ्यूचर है। दोस्तों, इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हम देखेंगे। ये रहा तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, नंबर सिस्टम इज, नंबर सिस्टम क्या है? तो पहला ऑप्शन है ए पोजिशनल, बी नॉन पोजिशनल, सी पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल एंड डी नॉन ऑफ द एबो। दोस्तों, आप आंसर सोचिए और सही सिलेक्ट करिए। अभी आपका टाइमर भी स्टार्ट होने वाला है, तो आपका टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। आपको 10 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूँ, 10 सेकंड के बाद हम इसका सही आंसर क्या है वो देखेंगे। तो सही आंसर अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, नंबर सिस्टम इज, नंबर सिस्टम क्या है। तो उसका सही आंसर है पोजिशनल एंड नॉन पोजिशनल है नंबर सिस्टम जो है वो। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, रिजोल्यूशन पावर इज मेजर्ड इन, रिजोल्यूशन पावर हम किस में मेजर करते हैं? तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, ए है पिक्सेल, बी है बाइट्स, सी है बिट्स एंड डी है ऑल आर ट्रू। तो आप 4 ऑप्शन में से सही आंसर को पसंद कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। तो यहाँ पे आपका टाइमर भी चलने लगा है, तो आप 10 सेकंड में के अंदर ही आपको आंसर हमें बताना है, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको सही आंसर है या गलत। अब मैं आपको बताऊंगा इसका सही आंसर क्या हो सकता है। रिजोल्यूशन पावर इज मेजर्ड इन, किस में हम मेजर करते हैं?
तो हम यहाँ पे पिक्सेल में मेजर करते हैं, हमारा सही आंसर है ए, रिजोल्यूशन पावर इज मेजर्ड इन पिक्सेल। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इज कॉल्ड, पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस को क्या बोलते थे? तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, ए मल्टीप्लाइंग मशीन, बी एनालिटिकल इंजिन, सी एंडिंग मशीन एंड डी एपकस। तो यहाँ पे दोस्तों आपको टाइमर मिलेगा, 10 सेकंड में आपको आंसर सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपका टाइमर अब स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड में आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए और सही आंसर क्या है वो बताइए, उसके बाद मैं आपको सही आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा सही आंसर होगा वो अब देखिए, हमारा सही आंसर है डी, एपकस है वो हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज। तो यहाँ पे आपके चार ऑप्शन है, ए ट्रांजिस्टर, बी इंटीग्रेटेड चिप्स, सी वैक्यूम ट्यूब एंड डी नन ऑफ द एबो। तो यहाँ पे दोस्तों आप चार ऑप्शन में से सही आंसर को चूज कीजिए और सही आंसर हमें कमेंट में जाए बताइए। और यहाँ पे आपका टाइमर अब स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड में अभी आपने नहीं सोचा है तो फिर भी सोच लीजिए, उसके बाद मैं आज का सही आंसर दिखाऊंगा। तो सही आंसर हमारा जो मिलेगा हमें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूज, तो यहाँ पे हमारा सही आंसर है ए ट्रांजिस्टर, हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, हाइब्रिड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स टेक द डेटा इन द फॉर्म ऑफ, हाइब्रिड टाइप्स जिसे हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए डिजिटल, बी एनालॉग, सी डिजिटल एंड एनालॉग एंड डी नन ऑफ द एबो। इनमें से कौन सा हाइब्रिड टाइप्स होता है जो डेटा को टेक करता है? तो यहाँ पे आपका टाइमर स्टार्ट हो चुका है, 10 सेकंड में आप आंसर सोच के हमें बताइए, उसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो हाइब्रिड टाइप्स कंप्यूटर बोला है, हाइब्रिड होता है तो इसीलिए इसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों इंक्लूड होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो सी मिलेगा, डिजिटल एंड एनालॉग दोनों हाइब्रिड टाइप्स कंप्यूटर में इंक्लूड होते हैं, दोनों को डेटा वो कलेक्ट करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ए रहा, प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज, इनमें से प्राइमरी मेमोरी किससे कहते हैं, किससे जाना जाता है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, ए रैम, बी मेन मेमोरी, सी वन एंड टू आर ट्रू एंड डी नन ऑफ द एबो। तो दोस्तों आप सोचिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है जिसे हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। आपका टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है, आपको 10 सेकंड में आंसर डिफाइन करके हमें कमेंट करना है। तो यहाँ पे आपको मैं सही आंसर अभी बताने वाला हूँ कि इसका प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर जो होगा वो सही आंसर हमें सी मिलेगा, वन एंड टू आर ट्रू, जिसमें रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा जो हमारा सही आंसर है वो मेन मेमोरी, दोनों इसमें प्राइमरी मेमोरी में इंक्लूड होते हैं और प्राइमरी मेमोरी को रैम और मेन मेमोरी भी बोला जाता है। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, इनपुट डिवाइसेस। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे चार ऑप्शन दिखाऊंगा, चार ऑप्शन में से जो इनपुट डिवाइसेस कौन-कौन से हैं वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट है ए ओसीआर, बी ओएमआर, सी पंच पेपर टेक रीडर एंड डी ऑल ऑफ द एबो। तो आपको इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है वो फाइंड करना है और फाइंड करके हमें आपके जो टाइमर दिया है उस टाइम लिमिट में 10 सेकंड में ही आपको हमें कमेंट करना है, ताकि हमें पता चल सके कि आपका आंसर सही है या गलत। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डी, ऑल एबो, ओ सी आर है, ओ एम आर है, पंच पेपर टेप रीडर है, वो सब इनपुट डिवाइस में इंक्लूड होते हैं, इसीलिए हमारा सही आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबो। ये रहा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर, कीबोर्ड माउस स्कैनर्स जॉयस्टिक एंड लाइट पेन ऑल आर, जो सभी नाम दिए हैं वो क्या है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड डी स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। दोस्तों सोचिए कीबोर्ड माउस स्कैनर जॉयस्टिक एंड लाइट पेन है वो
इनमें से कौन से डिवाइस है? आपका टाइमर भी चलने लगा है, तो आप 10 सेकंड में हमें आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या मिलेगा, उसके बाद मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। तो अब सब इन सब दिए हुए उसके वाकिफ है, कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है एंड लाइट पेन है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हमें मिलेगा वो डी मिलेगा, स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस। ये सब हमारे स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइसेस है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड लाइट पेन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।